सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन भजन संहिता 63 में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर और भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम को लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आमीन।
सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए कि प्रभु आपने हम सबको एक बार फिर से अपनी अपनी सामर्थ्य में इकट्ठा किया है। और खास करके प्रभु हम उन सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं जितने लोग इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं और जितने लोग भी जूम पर हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आपके अपने बिजी शेड्यूल में से आपको प्रेरित किया कि हम परमेश्वर की हम दो सिताइश में चलें और परमेश्वर के वचन को सुनने चलें। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आज की शाम के लिए। और हम जिस तरीके से भी हैं, जिस हाल में भी हैं परमेश्वर, हम आपके समक्ष आते हैं और खास करके प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों बरकतों के लिए परमेश्वर, जो पूरे दिन पूरे सप्ताह परमेश्वर आपने हम सभी के जीवनों में रखी। परमेश्वर जितने लोग भी प्रभु यीशु इस वक्त हमारे साथ में जूम पे हैं, जितने लोग भी प्रभु यीशु फेसबुक पे हैं और आने वाले समय में परमेश्वर जब वो यूट्यूब पे आपकी इस वर्शिप को ज्वाइन कर रहे होंगे, परमेश्वर आप उनको बहुतायत से आशीषित करिएगा और होने दीजिएगा प्रभु यीशु नासरी की आपके नाम से उनकी हर एक जरूरत, हर एक बीमारी चंगाई में बदलने वाली हो सके। परमेश्वर उनकी हर एक एक्सपेक्टेशन प्रभु यीशु आपके नाम से पूरी होने पाए परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम में भरपूरी है, आपके नाम में जीवन है, आपके नाम में प्रकाश है और आपके नाम में अगुवाई है। परमेश्वर हम सारी बातों में प्रभु यीशु आपको बड़ा करते हैं और इस वक्त पवित्र आत्मा हम आपसे सामर्थ मांगते हैं कि आप इस वर्शिप को लीड करें। हम जितने लोग भी प्रभु यीशु अपने अपने स्थानों से अपने अपने घरों से जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु, हम आपके नाम से आपके लहू के बाड़े में प्रभु यीशु उन सभी के घरों को, उन सभी के टेक्निकल डिवाइसेस को दे देते हैं। परमेश्वर होने दीजिएगा परमेश्वर की वो सामर्थ प्रभु यीशु आज के इस वर्शिप में वो महसूस करने वाले हो सके परमेश्वर, और उन चंगाइयों को रिसीव करने वाले हो सके परमेश्वर, और आपके जिंदा कलाम को रिसीव करने वाले हो सके परमेश्वर, ताकि हमारे मनों और आत्माओं की वो भूख प्रभु यीशु मसीह जो इस संसारिक खाने से नहीं मिटती है लेकिन आपके जिंदा कलाम से मिटने वाली हो सके, हम इस बात का धन्यवाद देते हैं। इस पूरी वर्शिप को प्रभु यीशु आप लीड करें, आप अगुवाई करें। पवित्र आत्मा जब आपके वचन, पवित्र आत्मा आप आज की सिस्टर को प्रभु यीशु, सिस्टर प्रेरणा को प्रभु यीशु आप अपने अपने लहू के बाड़े में लें परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भरे परमेश्वर, कि जिस वक्त वो आपके वचन को शेयर करती हैं हमारे मध्य में आपकी सामर्थ उनके साथ हो परमेश्वर, क्योंकि उनका आज यहाँ इस वर्शिप में होना प्रभु यीशु हम में से किसी एक का प्लान नहीं है बल्कि आपका प्लान है, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर। और आज ये वचन प्रभु यीशु हमारे मनों में और आत्माओं में परमेश्वर जब बोया जाता है परमेश्वर, तो हम उस किसान की तरह हो सकें प्रभु यीशु, कि इस बीज की हम रक्षा करने वाले हो सके, कि आने वाले दिनों में जब ये बीज प्रभु यीशु एक छोटा पेड़ बनेगा, उसके बाद में हम बड़े वृक्ष तक बनने तक परमेश्वर, फल लगने तक प्रभु यीशु हम इसकी रखवाली करने वाले हो सके। आप हमारे जीवनों को प्रभु यीशु फलदायी बनाइएगा अपने जिंदा कलाम से परमेश्वर। सारी बातों को प्रभु यीशु हम आपके नाम में सौंपते हैं और आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे साथ होइए, हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम फिर हमारे जीवनों में और परमेश्वर की हमदो सिताइश के लिए एक मन और एक चित होकर के इकट्ठा बैठे हैं प्रभु। और जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक पे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपके कोई प्रार्थना निवेदन है तो अगले 1 से 2 मिनट में आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन अभी आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर कोई प्रार्थना निवेदन रह जाता है जो ड्यूरिंग लाइव वर्शिप आप नहीं दे पाते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम पूरे सप्ताह उन विषयों पर दुआ करने वाले हो सके। सो अब हम स्वागत करेंगे बरेली से अंशुमा पॉल हमारे साथ में है, जो आज हमारे प्रेजेंट वर्शिप में अगुवाई करेंगी। अंशुमा आपका स्वागत है हमारे मध्य में और आइए। और ये एक टेस्टिमनी है, मैं अंशुमा के बिहाफ पे दे रहा हूँ कि अंशुमा ने खुद परमेश्वर की आवाज को सुना और आज की वर्शिप के लिए, प्रेजेंट वर्शिप के लिए उसने अपने आप को बोला कि मैं परमेश्वर की हमदो सिताइश के लिए आज परमेश्वर के गीतों को गाऊंगी। सो अंशुमा, मे गॉड ब्लेस यू, और बाकी का समय आपके पास में है। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी,
कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारू, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारू। तेरे वादों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वचन से बदलूं। चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। माय सेकंड सॉन्ग इज, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरी वफा, इत्तदायम तेहा तू है मेरी वफा। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, इत्तदायम तेहा तू है मेरी वफा। मेरे चारों तरफ रूह की आग लगा, मेरे दिल में समा, मेरी रूह में समा, मेरे चारों तरफ रूह की आग लगा, मेरे दिल में समा, मेरी रूह में समा, मेरे दिल में समा, मेरी रूह में समा। हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंशिमा, मे गॉड ब्लेस यू। एंड यस, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया और आपने अपने समय को, अपने अपनी काबिलियत को परमेश्वर की हमदो सिताइश के लिए दिया। परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करने वाला है। और आज हमारे बीच में सिस्टर तनुजा हैं, जो पहली बार जुड़ी हैं। हम एज एन कॉन्ग्रीगेशन, एज एन होल्डियो क्रॉस मिनिस्ट्री, हम उनका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे सिस्टर तनुजा। और आने वाले समय में परमेश्वर जब भी आपको अगुवाई करता है, हमारा जूम लिंक और पासवर्ड सेम रहता है। एवरी सैटरडे 7:30 आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब वो वक्त होगा कि जब हम लोग अपने प्रार्थना निवेदनों में जाएंगे। और इस सेगमेंट के लिए मैं सिस्टर मधु चौहान से बोलूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं। सो सबसे पहले हम अपने देश के लिए और अपने सारे चर्चेस के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए जो हमारे देश में पाई जाती हैं या संसार के अलग अलग स्थानों में पाई जाती हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और अपने प्रेसिडेंट साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और जितने भी स्टेट मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। और हमारे देश के चारों तरफ शांति बनी रहे, हम इस बात के लिए भी दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे भाई जोशन की डॉटर के लिए कि उनको माइनर कोल्ड और फीवर है, परमेश्वर उस बच्ची को भी अपनी शिफा दें, अपनी चंगाई दें। हम दुआ करेंगे भाई अरुण सैमुअल के लिए कि उनका फर्स्ट कीमो हुआ है, परमेश्वर उनको उनको इस बीमारी से, इस इलनेस से आने वाले समय में जल्द से जल्द शिफा दे।
हम दुआ करेंगे सिस्टर सुनीता के लिए, जी के लिए, कि उनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उनकी भी थर्ड कीमो हुई है, तो परमेश्वर सिस्टर सुनीता को भी अपनी अपनी शिफा अपनी चंगाई में लें। हम दुआ करेंगे डॉक्टर उषा सोलोमन के लिए जो लखनऊ से हैं, कि उनका 4 कीमो हो चुका है, परमेश्वर आने वाले दिनों में अपनी संपूर्ण चंगाई से उनको आशीषित करें। हम दुआ करेंगे और धन्यवाद देंगे अंकल सिसिल के जिंदगी के लिए कि पिछले दिनों वो आईसीयू में थे और जैसा कि आपको पता है कि उनका एज 92 ईयर है, लेकिन परमेश्वर ने उनको आईसीयू से निकाल के नॉर्मल रूम में लेकर के आए हैं और रिकवरी फास्ट हो रही है, तो परमेश्वर आने वाले दिनों में अपनी संपूर्ण चंगाई के साथ उन्हें घर तक पहुंचा सके, हम इस बात के लिए दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे बहन मीनू स्वरूप के लिए कि उनका डायबिटीज पिछले कई महीनों से काफी बढ़ा हुआ है, तो परमेश्वर उन इस डायबिटीज को अपने कंट्रोल में और अपने लहू के सामर्थ्य में उसको नॉर्मल लेकर के आने वाली हो सके। हम दुआ करेंगे बहन मोहिनी गिलबर्ट के लिए कि वो बेड रिटन है ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम, परमेश्वर अपनी इस बेटी को भी शिफा और चंगाई दे। हम दुआ करेंगे भाई एमपी सिंह साहब के लिए कि जो पिछले दिनों उनको स्लिप डिस्क हुआ है, परमेश्वर उन्हें भी रिकवरी दे और ये धन्यवाद का विषय आने वाले दिनों में अपने मुंह से परमेश्वर के लिए देने वाले हो सके। हम दुआ करेंगे शालिनी जी के पेरेंट्स के लिए कि बुजुर्गी का आलम है, उन्हें भी वो स्वस्थ रखें। हम दुआ करेंगे निलशा के लिए, जैसे कि कल वो अपने एक स्विमिंग कॉम्पिटिशन में जा रही है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरे और अपने विल में उन्हें आगे बढ़ाए। हम दुआ करेंगे अपनी कलीसियाओं में जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ्य में रखे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी जिंदगी दे। हम दुआ करेंगे अपने पास्टर्स के लिए, सभी मिशनरीज के लिए और उनकी फैमिलीज की हर एक जरूरत के लिए, और दुआ करेंगे हम होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए और अपने सभी परिवारजनों के लिए जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। हमारे पास कुछ फेसबुक से भी रिक्वेस्ट आई है। हम दुआ करेंगे अभिनीत के लिए कि उनको कुछ नोज इन्फ्लामेशन है, परमेश्वर इस एलर्जी को भी दूर करने वाला हो सके। और ओवर टू यू मधु जी, आपका स्वागत। आइए हम दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम धन्यवाद के साथ पिता आपके पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी भलाइयों के लिए। सच में प्रभु आप भले परमेश्वर हैं, हमारी दुआ प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु राजा। जब भी हम आपको पुकारते हैं प्रभु, आप हमारे आपके कान हमारी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं, आपकी आंखें हम पर लगी रहती हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं मेरे ईश्वर राजा। हो जीवित पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु, खासकर प्रभु राजा हमारे देश के लिए प्रभु, हमारे देश के उन तमाम चर्चिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, तमाम कॉन्ग्रीगेशंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड है प्रभु, हम दुआ करते हैं पिता आप हर एक पर अपनी आशीष को दे प्रभु राजा, हर एक को अपने लहू में प्रोटेक्ट करें प्रभु। हमारे देश के प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे स्टेट मिनिस्टर और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हालेलुया हम उन सब के लिए दुआ करते हैं। हमारे आसपास में प्रभु जी शांति बहाल होने के लिए दुआ करते हैं प्रभु, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट को और स्टेट मिनिस्टर को पिता बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, पवित्र आत्मा की सहायता दे प्रभु, हमारे देश को चलाने के लिए पवित्र आत्मा उनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु, हमारे देश को हालेलुया प्रभु एक सही दिशा में ले जाने के लिए पवित्र आत्मा उनको गाइड और लीड करे प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु ब्रदन जोशन की बेटी के लिए पिता, जो इस समय में कोल्ड और फीवर से इन्फेक्टेड है प्रभु राजा, हम दुआ करते हैं पिता तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में पिता, उस बच्ची को हम आपके कलवरी क्रूज के बहते लहू के नीचे रखते पिता, कलवरी से क्रूज से बहता लहू से चंगा करने पाए यीशु राजा। वचन में लिखा है कि यीशु के लहू में छुटकारा है प्रभु, आज हम यीशु मसीह का लहू उस बच्ची पर लगाते हैं प्रभु और कहते हैं प्रभु तेरे लहू के द्वारा उसको छुटकारा मिल चुका है प्रभु, सारा फीवर सारा कोल्ड कफ यीशु के नाम में जा चुका है, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। बच्ची को आप आशीष दें प्रभु और अपने हाथ में संभाले। हम दुआ करते हैं प्रभु ब्रदर अरुण सैमल के लिए प्रभु, जिनकी फर्स्ट कीमो हुई है खुदा, हम दुआ करते हैं प्रभु भाई को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, उनके शरीर प्राण आत्मा जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, चंगा करने वाले परमेश्वर आप उनके साथ हैं प्रभु राजा। जिस परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया प्रभु, जिस परमेश्वर ने अंधों को आंखें दिया, जिस परमेश्वर ने हालेलुया प्रभु लंगड़ों को चलने के लिए प्रभु सामर्थ दिया, वही परमेश्वर ब्रदर अरुण सैमल के परमेश्वर है,
प्रभु जी आप अपने बेटे को कैंसर से पूरी तरह से आप हील करें प्रभु राजा, दया करें प्रभु उन पर और उन्हें संभाले पिता। हम दुआ करते सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु, जब उनकी कैंसर की थर्ड कीमो खत्म हो चुके पिता, हम दुआ करते पिता चंगा करने वाले परमेश्वर आप है, अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर अपने बच्चों को चंगा करें। सिस्टर सुनीता को, ब्रदर अरुण सैमल को पिता, और डॉक्टर उषा सलेमान को पिता, जो कि परमेश्वर जिनकी चौथी कीमो हो चुकी है खुदावंद, हम दुआ करते पिता तेरे इन तीनों बच्चों को हम तेरे कलवरी क्रूस के नीचे लेकर आते हैं, तेरे कलवरी क्रूस के बहते लहू के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे लहू में सामर्थ है प्रभु, तेरे लहू में सामर्थ है प्रभु, तेरे वचन में सामर्थ है प्रभु, और तेरा वचन इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से बीमार लोग चंगे हो गए हैं। प्रभु तेरे वचन की सामर्थ कार्य करे, तेरे वचन की सामर्थ इन तीनों के जीवन में कार्य करे, हड्डी हड्डी नस नस में कार्य करे प्रभु, अपनी बीमारी से चंगाई पाकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करने की आशीष आप इन्हें दीजिए पिता। दुआ करते हैं खासकर प्रभु राजा, धन्यवाद करते हैं अंकल सिजल के लिए प्रभु राजा, उनकी हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता बीते दिनों में परमेश्वर आपने उन्हें चंगा किया प्रभु, तब ऐसी हालेलुया प्रभु ऐसी सीरियस थे प्रभु राजा, आईसीयू में थे प्रभु, आईसीयू से आपने उन्हें बाहर निकाला प्रभु राजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द वो डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस आने के लिए प्रभु आपने आशीष करें प्रभु, दया करें, विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा प्रभु, से उठाकर खड़ा कर देगा प्रभु, आप इन सबको उठाकर खड़ा कर दीजिए प्रभु, अपनी सारी बीमारी के बिस्तर से उठकर खड़े हो जाने पाए राजा। दुआ करते हैं सिस्टर मीनू स्वरूप के लिए पिता, उनके डायबिटीज के लिए जो हाई हो रहा है प्रभु, खुदावंद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, सारा शुगर यीशु के नाम में दूर हो जाने पाए राजा, हर प्रकार की गंदी आत्माएं छोड़कर जाने पाए, हर प्रकार की बीमारियां आपकी बेटी को छोड़कर जाने पाए यीशु राजा, आपने हमें बीमार होने के लिए नहीं बुलाया प्रभु, आपने हमें चंगा होने के लिए बुलाया प्रभु, आपने हमें चंगा करने के लिए बुलाया है प्रभु राजा, होने दीजिए सिस्टर मीनू के हालेलुया डायबिटीज को पिता आप खत्म करें प्रभु राजा, डायबिटीज नॉर्मल होने पाए यीशु के नाम से पिता, आप उन्हें छुएं, आप उन्हें छुएं पिता, टच करें प्रभु आज अपनी बेटी को, छू कर अपने छिदे हुए हाथों से चंगाई दे प्रभु राजा, हम दुआ करते हैं प्रभु सिस्टर मोनी गिलबर्ट के लिए पिता, जो इस समय अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण बिस्तर पर हैं प्रभु, वचन में लिखा है प्रभु तू सच में प्रभु हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, आपका वचन कहता है वो अपने वचन को भेज कर उनको चंगा करता है, आपका वचन ये भी कहता है कि वो बीमारी में तुम्हारे बिछौने को उलट देगा, वो बीमारी में तुम्हारे बिछौने को उलट देगा, आज हमारी दुआ है प्रभु इस सिस्टर के बिछौने को आप उलट दीजिए प्रभु, आपकी बेटी बिल्कुल भली चंगी होकर अपने बिस्तर से खड़ी होने पाए यीशु राजा, विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देगा प्रभु, आप अपनी बेटी को उठाकर खड़ा करें प्रभु राजा, कितने ही बीमारों को पिता परमेश्वर आपने अपने हाथों से पकड़कर आपने उन्हें उठाया प्रभु राजा, आपके चेलों ने कितने लोगों को चंगा किया प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं उसी चंगाई को पिता हम आपकी बेटी के लिए भी मांगते हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, हम ब्रदर एमपी सिंह जी के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रभु, जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु राजा वचन के अनुसार प्रभु ये बीमार लोग चंगे हो चुके हैं प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर एक एक अपनी बीमारी के बिस्तर से उठकर खड़ा होकर तेरे लिए जीवित गवाही बन जाने पाए यीशु राजा, तेरे लिए जीवित गवाह बन जाने पाए यीशु राजा, एक एक को छू कर आप चंगा करें, चाहे स्लिप डिस्क हो, चाहे कैंसर हो पिता, चाहे शुगर हो पिता, चाहे वो फीवर हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो प्रभु, तेरे सामर्थ्य नाम में दूर हो जाने पाए राजा, हम दुआ करते हैं पिता, खासकर सिस्टर शाली जी के पेरेंट्स के गुड हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब उम्र में बड़े हैं प्रभु, बुजुर्ग हैं प्रभु, इस बुजुर्गी की हालत में प्रभु आप उनको संभाले, आपने वचन में लिखा है प्रभु कि तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें संभाले रहूंगा, मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा और मैं तुम्हें छुड़ाता भी रहूंगा, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि इस बीमारी के आलम में, इस ओल्ड एज के आलम में प्रभु राजा आप उन्हें उठाकर फिरे, आप उन्हें संभाल कर रखें प्रभु, उनके बाल पकने के दिनों में आपने का वायदा किया मैं संभालूंगा,
प्रभु आप उनको संभाले प्रभु, हर बीमारी कमजोरी से दुर्बलता से आप उनको बचा कर रखे, अंधकार की हर एक शक्ति से बचा कर रखे, आपके लहू में हम दोनों को कवर करते पिता, आप रक्षा करें प्रभु। हम दुआ करते हैं खासकर निलिशा के लिए प्रभु, कल जब अपने स्विमिंग कंपटीशन के लिए जा रहे हैं प्रभु, सबसे पहले उसके शरीर प्राण आत्मा जीवन को आपके हाथों में देते हैं, दुआ करते हैं पिता अपने लहू में अपने बच्चे को ढांप लीजिए पिता, हर प्रकार के हालेलुया मौसम के बुरे प्रभाव से आप उसको बचाएं प्रभु, और खासकर इस स्विमिंग कॉम्पिटिशन में हालेलुया प्रभु पार्टिसिपेट करने के लिए प्रभु आप उसे अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपनी ताकत से भर दीजिए प्रभु। वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो चलेंगे थकित नहीं होंगे, वचन में लिखा है वो उकाबों की नहीं उड़ेंगे। प्रभु जी आप अपनी बेटी को कल के स्विमिंग कॉम्पिटिशन के लिए सामर्थ दीजिए, नया बल प्राप्त करने पाए और उसी सामर्थ में होकर प्रभु अपने स्विमिंग कॉम्पिटिशन में वो जीतने पाए राजा, आप उसके साथ रहें, उसकी रक्षा करें। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं प्रभु, जितने भी हमारी कांग्रीगेशन में बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, उन सब के लिए दुआ करते हैं पिता, उन तमाम बुजुर्गों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हम उनकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप उन्हें अपनी सामर्थ से भरे प्रभु, उनके जीवनों में आप अपनी आशीष करें प्रभु, आपकी सामर्थ उनके जीवनों में कार्य करें और आपकी सामर्थ में होकर ये सब कुछ करने पाए राजा, जो आप उनसे करना चाहते हैं प्रभु। ये पवित्र आत्मा आप उनके साथ रहें, उन्हें अपने लहू में ढांप कर रखें प्रभु, अपने हाथों की आड़ में आप उनको छिपा कर रखें प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम दुआ करते हैं पिता तमाम उन पास्टर्स के लिए प्रभु, मिशनरीज के लिए प्रभु और उनकी फैमिलीज के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, वो तमाम प्रभु आपके दास दासी जो अपने अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपने घरों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर तेरी सेवा के लिए बाहर निकले हैं प्रभु। हम उन तमाम पास्टर्स को, उन मिशनरीज को, हालेलुया उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने लहू में उन्हें कवर करें प्रभु, आप उन्हें सामर्थ दीजिए, बल दीजिए, अपनी सुरक्षा में आप उन्हें रखें प्रभु, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई शैतान की योजना उन पर सफल ना होने पाए। भजन संहिता 91 और 121 की सुरक्षा आप उन्हें प्रदान करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, खासकर प्रभु राजा मैं प्रार्थना करती हूँ होल क्रॉस मिनिस्ट्री के तमाम एंटायर कांग्रीगेशन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, कि पूरी कांग्रीगेशन विश्वास में बनी रहे, उसके लिए मैं दुआ करती हूँ पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु राजा होल क्रॉस मिनिस्ट्री को आप आशीष करें, भाई आशीष को, बहन शालिनी को, निलिशा को आप आशीष करें पिता, उनकी सेवकाई को आशीष करें पिता, आने वाले दिनों में ये सेवकाई और बड़ा रूप लेने पाए यीशु राजा, और ज्यादा परमेश्वर आपके बीच में आकर सेवा करने के लिए आप उन्हें आशीषित करें। मेरी प्रार्थना है खासकर सिस्टर वीनस के लिए जिनका कोर्ट केस चल रहा है प्रभु, हम दुआ करते हैं पिता सिस्टर वीनस के लिए प्रभु, आप उनके लिए कार्य करें प्रभु। वचन में लिखा है प्रभु कि मुकदमा तो यहोवा का है, सच में प्रभु ये मुकदमा आपका है प्रभु, आप अपनी बेटी के लिए लड़े प्रभु। निर्गमन 14:4 में लिखा है कि यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो और यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। सच में प्रभु आप अपनी बेटी के इस कोर्ट केस में आप उनके आगे आगे चले, आप उनके लिए लड़े और उन्हें आशीष दे प्रभु। मेरी दुआ है प्रभु भाई अभिनीत के लिए प्रभु, जिनके नोज में एलर्जी है प्रभु, हर प्रकार की एलर्जी यीशु के नाम में दूर हो जाने पाए प्रभु जी। अपने हाथों से छू कर आप अपने बेटे को चंगा करें इसी घड़ी प्रभु। आई बाइंड ईच एंड एवरी विकेट पावर अगेंस्ट हिज बॉडी सोल एंड स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड आई रिब्यूक ऑल द एलर्जी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ प्रभु तेरे सामर्थ के नाम में सारी एलर्जी को निकल जाने का हुक्म देते हैं। दुआ करते हैं पूजा के लिए प्रभु, जिस समय हॉस्पिटल में है प्रभु और बहुत सीरियस है प्रभु राजा, हम दुआ करते हैं उनको जॉन्डिस हो गया प्रभु, हालेलुया प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता डॉक्टर ने मना कर दिया प्रभु, मगर हमें आप पर आशा है प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप अपनी बेटी पर अपना हाथ रखें, पवित्र आत्मा की सामर्थ उस हॉस्पिटल में कार्य करे, उस बेड के ऊपर प्रभु आपका आत्मा मंडराए प्रभु, अपने छिदे हुए हाथों से छू कर प्रभु आप उस बेटी को चंगा करें। डॉक्टर ने जिसे मना कर दिया प्रभु उसे आप चंगा करके अपने नाम में, अपने सामर्थ्य नाम में आप खड़ा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता इन सारी दुआओं प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि हम किसी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भूल गए प्रभु उसे भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इन दिनों जो भी डेंगू फैल रहा है प्रभु, इन दिनों में जो भी फीवर हो रहा है प्रभु, वायरल कफ कंजेशन है प्रभु और भी तरह तरह के फीवर है प्रभु, यीशु के नाम में पिता हर प्रकार की बीमारी को दूर करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप अपने बच्चों के चारों
अपने लहू का बाड़ा लगाएं, उन्हें अपने लहू में कवर करें, अपने परों की आड़ में उनको छिपाएं प्रभु, रक्षा करें प्रभु, हर एक को चंगा करके अपने नाम की महिमा करें। धन्यवाद पिता, सारी प्रार्थना विधि आपके हाथों में देते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू। और अब ये वो समय होगा कि जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, और आज हमारे मध्य में सिस्टर प्रेरणा है जो कि इवेंजलिस्ट हैं, और ये हमें, मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा, बाकी टेस्टमनी सिस्टर हमारे मध्य में ज़रूर देंगी कि सिस्टर प्रेरणा एक ऐसे परिवार से आती हैं जो बहुत ही ट्रेडिशनल राजपूत बैकग्राउंड है, और उनकी रूट्स लखनऊ यूपी में पाई जाती हैं, एंड शी हैज अमेजिंग टेस्टमनी इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और बाकी का समय मैं स्वागत करता हूँ सिस्टर प्रेरणा का अपने मध्य में। सिस्टर प्रेरणा आपका स्वागत है, एज एन कॉन्ग्रीगेशन हम आपका स्वागत करते हैं, आप हम अभी पूरा समय आपके पास में है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी जहां तक है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। हाँ, कुछ वचन मैं आपके बीच में रखना चाहूंगी, और मैं जानती हूँ ऑनलाइन है तो ज्यादा उतना वक्त नहीं होगा जितना, अगर आप लोग मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे मुझे देख सकते हैं। एक्चुअली मैं अपने बारे में सिर्फ इतना बोलूंगी, देखिए मुझे यूट्यूब और फेसबुक का एडिक्शन नहीं है, बिकॉज मैं एक ऐसी जगह से, एक ऐसी लाइन से निकल के आई हूँ जहाँ पर लाइट कैमरा एक्शन की कभी कमी नहीं रही, तो मेरी गवाही में जो मेन चीज है वो सबसे बड़ी बात है कि मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैं एक फिल्म इंडस्ट्री एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट एक एक्ट्रेस रही, उसके बाद में मैं मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग और एक आर्टिस्ट बैकग्राउंड भी रहा है मेरा। तो आप मुझे देख सकते हैं इवेंजलिस्ट सिस्टर प्रेरणा, फेसबुक पेज इस नेम से है मेरा, और यूट्यूब पे भी इस नेम से है, सो आप लोग मेरे बारे में जान सकते हैं। और मैं अपने पति के द्वारा प्रभु में आई हूँ, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे पति को गए हुए 10 साल हो गए हैं, और मेरे पति ही हैं जिन्होंने डेड बेड पे जाने से पहले 2 साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन आईसीयू में थे वो, और 2 साल तक उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने साथ जाना माना और उसे साथ लेकर अपने साथ गए, और उन्होंने वही बीज मेरे अंदर बोया जिसके कारण आज मैं अपने पूरे खानदान से निकलकर पहली पीढ़ी हूँ जो प्रभु यीशु मसीह में आई। मेरे जो परिवार है, मेरा जो परिवार है वो कट्टर राजपूत परिवार है, मेरा परिवार लखनऊ में भी है, एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और इंडिया का ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर मेरा परिवार नहीं है। ना ये चीजें हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत जैसे राजपूत में एक खून होता है ना, बहुत अक्खड़ होते हैं, तो आज मैं मसीह में बहुत अक्खड़ बन चुकी हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता मेरे विश्वास से, क्योंकि आज भी मैं उसी परिवार के बीच में ही हूँ, लेकिन मैं अपने विश्वास को लेकर चल रही हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे अपने निकट आने का मौका दिया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं उसके सानिध्य में, उसके पैरों तले एक शरण पाने पाऊँ, तो मैं परमेश्वर का सच में बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गवाही तो बहुत बड़ी है, जैसे कि आपके पास कुछ पीडीएफ आया होगा तो आप उसमें पढ़ ही चुके होंगे शॉर्ट में, सो मैं पूरी गवाही तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगी वचनों में कि हम जब विश्वास करते हैं तो विश्वास एक ऐसा हिस्सा है हमारे जीवन का, एक ऐसा किस्सा है जो हमारे अस्तित्व को, जो हमारे पास्ट को, जो हमारे प्रेजेंट को, जो हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से बदल देता है। बस हमारी लाइफ में एक मजबूत विश्वास होने की जरूरत है, और आज जो मैं वचन देने जा रही हूँ वो भी विश्वास से ही जुड़ा हुआ है। विश्वास और संदेह के बीच में एक स्थिर विश्वास को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम उपजा सकते हैं, उसके बीच में है। तो वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे।
खुदा बाप पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो भी वचन रखा जा रहा है पिता वो आपकी ओर से होने पाए और सुनने वालों को प्रभु जी आत्मिक कान आत्मिक आंखें दीजिए राजा, ताकि वो आपकी बातों को सुनने और प्रभु जी देखने वाले होने पाए पिता। उनकी आत्माओं को सामर्थ से भर दीजिए और अपनी बेटी को अपने सामर्थ से भरिए, वो नहीं आपका सामर्थ उसमें होकर लोगों से बात करने पाए। छोटी सी दुआ को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ कोई भी निकाल लें, पहला कुरिन्थियों उसका 11 चैप्टर वर्स 1। जी कोई भी पढ़ दीजिए, चैप्टर 11 वर्स 1 राइट। हाँ जी, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। नो, फर्स्ट कुरिन्थियों आई थिंक सेकंड है। अब विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। आई थिंक मैं इब्रानियों 11 वर्स 1। यस, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए यहाँ पर बात बहुत सरल है, स्पष्ट है और साफ सुथरी तौर पे लिखी गई है, एकदम ट्रांसपेरेंसी में इस वचन को दिया गया है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। हम जब विश्वास करते हैं, जब हम आशा करते हैं और जिन चीजों को हमने देखा भी नहीं हम उसे डिक्लेयर करते हैं तो वह हमारे लिए हो जाता है। आज हम सब कहते हैं कि हम सब स्वर्ग जाएंगे, हम सब कहीं ना कहीं बार बार इस बात को दोहराते हैं कि हम सब स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। क्या हमने स्वर्ग को देखा है? क्या हमने अपने जीवन को देखा है? क्या हम अपने जीवन को उस चाल सा चल रहे हैं? लेकिन फिर भी हमारी एक उत्तम आशा है कि हम स्वर्ग जाएंगे। जिस चीज को हमने नहीं देखा हम अपने दिनचर्या में उठते बैठते इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। तो यह ये एक मजबूत और ठोस और स्थिर विश्वास है जो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया और हम परमेश्वर की ओर अपने विश्वास को समर्पित करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन वैसे ही जब हमें अपने निजी जीवनों में जब विश्वास की स्थिरता को दिखाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं हम डामाडोल हो जाते हैं और हम देखेंगे कि सिर्फ हम ही लोग नहीं, जब हमें एक मजबूत विश्वास को दिखाना होता है तो कई बार हम डगमगा जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर पे संदेह कर लेते हैं। और आज भी हमारा जीवन ऐसा ही है, हम कुछ भी क्यों ना कहें लेकिन जब हम पर कोई आपदा कोई विपदा और कोई मुश्किल या परेशानियां आती हैं तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। और ये बात सत्य है कि जब हमें एक अनदेखा विश्वास करना होता है तब हम नहीं कर पाते। आप देखिए मूसा के आगे लाल समुद्र था और वो लाल समुद्र अति गहरा था। आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई की था कितनी होती है, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की ओर आंखें उठाकर अनदेखा विश्वास किया और विश्वास के साथ उस लाठी को यीशु नासरी के नाम में परमेश्वर के नाम में मार दिया और वही लाल समुद्र दो भाग हो गया। ये है अंधविश्वास। कई बार हम अपने जीवन में ऐसा अंधविश्वास नहीं कर पाते हैं। देखिए इब्रानी 11 उसका 1 हमें ये सिखाता है कि हमें एक अनदेखा विश्वास करना है, हमें देखकर नहीं हमें अनदेखा विश्वास करना है। जिन चीजों को हमने देखा भी नहीं यदि हम स्थिरता के साथ उन चीजों को विश्वास के साथ डिक्लेयर करेंगे तो हमारे जीवन में वो चीजें भी होना शुरू हो जाएगी। कई बार हम अपने अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, हम इस बीमारी से ग्रसित हैं, हम इस चीज से ग्रसित हैं। वैसे ही जब हम प्रार्थना करवा लेते हैं और कोई हमसे पूछता है हाल चाल कैसा है आपका तो हम कहते हैं अरे भैया अभी एक कीमो हो गया है, दूसरा बाकी, कैंसर से पीड़ित हूं। तो बताइए यही विश्वास है? परमेश्वर तो हमें अनदेखा विश्वास करना सिखाता है और आज से नहीं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सिखाता है। आप अनम्यूट हो गए हैं।
म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा कॉल आ गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। परमेश्वर हमें एक अंधे का विश्वास सिखाता है। तो अगर आप देखिए, मैं आपको एक खूबसूरत आयत, जिसको हमने आई थिंक सालों साल पढ़ा होगा, एक खूबसूरत सी आयत मैं आपको पढ़कर बताना चाहूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और मैं ड्राइव कर रही थी, और मैंने सिस्टर को बोला भी था कि मैं हो सकता है कि बीच सफर में रहूंगी और मेरे पीछे काफी सारे राइटिंग पैड्स हैं, बिकॉज कुछ प्रिंटिंग्स बुक्स का काम चल रहा है हमारा, तो वो भी रखी हुई है, और मैं बस उसी को कलेक्ट करने गई थी, और उस बीच में मीटिंग का टाइम भी था, तो मैंने उनको कहा था मैं डेफिनेटली मीटिंग ज्वाइन करूंगी। तो मैं आप लोगों की हेल्प लेना चाहूंगी पढ़ने के लिए, और जल्दी जल्दी हम निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन से हम 15 और 16 तक निगाहें फेराएंगे। उसमें आप सब, मैं चाहूंगी कि प्रेरितों का काम 12 उसका 1 से 4 तक पढ़, 5 तक पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम 1 से 4 तक, 12 अध्याय उसका 1 से 5 तक पढ़ लीजिए। राइट। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यहुन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे, और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला, और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसा के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। थैंक यू ब्रदर। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बात को नोट करना, जैसे हम लोग देखते हैं ना, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। सो इस बात को आप बहुत गौर फरमाइएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि हेरोदेश राजा के समय में, हेरोदेश राजा उन सारे लोगों को जो यीशु मसीह के पीछे हो रहे थे और किसी चाल चल रहे थे और अपने विश्वास को परमेश्वर में एक अलग रूप से आगे बढ़ा रहे थे, वो लोगों को हेरोदेश राजा बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे, और उसी के चलते पतरस को भी प्रताड़ित किया गया और उसे बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया गया। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक खूबसूरत बात लिखी गई है कि उस समय कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। अब मैं अगर आपसे पूछूंगी लो लगाकर प्रार्थना हम किसे कह सकते हैं, तो लो लगाकर हम प्रार्थना उसे कहेंगे जहां पर हमारा माइंड किसी भी जगह पर डिवाइड नहीं हो रहा है, या हमारा माइंड किसी चीजों को लेके डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, हमारा माइंड एक फोकस्ड वे में लगा हुआ है और परमेश्वर से उन चीजों को एक समर्पण के साथ मांग रहा है कि हमारे प्रिय भाई पतरस को वो बंदीगृह से छुड़ाएं। तो यहाँ पर लो लगाकर कलीसिया प्रार्थना कर रही है, बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे सब लिखा हुआ है, लो लगाकर प्रार्थना कर रही है। इस पे जरा गौर फरमाइएगा आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, लो लगाकर प्रार्थना यानी उनके बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वो पूरी तरह से परमेश्वर से जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। और आगे की स्टोरी अगर आप देखेंगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा है जब वो लो लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं तो उनकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्गदूत उस बंदीगृह में पहुंच चुका है, और जब वो स्वर्गदूत बंदीगृह में पहुंच चुका है तो वह परमेश्वर के उस भक्त को पसली पर हाथ मार के जगाता है और उसे उस बंदीगृह से आजाद करा देता है, और पतरस जान जाता है कि यह परमेश्वर की ओर से भेजा गया स्वर्गदूत है जो परमेश्वर ने अपने बेटे अपने दास पतरस को छुड़ाने के लिए भेजा चाहे। यहाँ तक हम सारी स्टोरी को जानते हैं। उसके तत्पश्चात हम देखेंगे जब पतरस छूट जाता है तब क्या हुआ, हम वहां से 12 से पढ़ देंगे।
12 से पढ़ दीजिएगा कोई, प्रेरितों का काम 12:12। और यह सोचकर वह उस यहुन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। आगे पढ़ी। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आई और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला परंतु दौड़कर भीतर गई। और थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब पतरस बंदीगृह से आजाद हो जाता है तो यूहन्ना की माता, जिसे यीशु मसीह ने अपने पीछे उसका बेटा ठहराया था, यूहन्ना की माता मरियम के घर जाता है जहां पर कलीसिया एकत्रित होकर लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। अब वहां पर जब पतरस उस फाटक को खटखटाता है तो वहां से पूरी कलीसिया से एक हृदय नामक दासी निकल कर आती है और वो दासी पत्रस का शब्द सुनती है और आनंद के मारे भीतर भागती है। और जब वो भीतर भागती है तो पढ़िए क्या लिखा है, आगे पढ़े 15 से। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। बस थैंक यू। देखिए यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर आप पूरी कलीसिया को देख रहे हैं, दूसरी ओर एक रुदे नामक दासी को देख रहे हैं। पूरी कलीसिया में सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं हम। यहाँ पर एक मात्र ऐसी दासी है जो कि रुदे नामक दासी, जो पत्रस का शब्द सुनकर ही वो अंदर आती है। ये था विश्वास जो उसने अनदेखे रूप में किया, क्योंकि वो दासी जानती थी कि पत्रस जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे आजाद करा दिया है। लेकिन जब वो कलीसिया के पास में, कलीसिया के लोगों के पास, उनके जन के पास जाती है तो वही कलीसिया तो लौ लगा कर प्रार्थना। हम लोग बने रहेंगे, कुछ नेटवर्क इश्यू है सिस्टर, ऑन रोड हैं, मोबाइल से हैं। यस सिस्टर हैज जॉइंड। तो जब तक सिस्टर आती है, टिल द टाइम, बड़ी अच्छी बात उन्होंने आज हाईलाइट करी कि लॉ लगाकर, और हम सब लोग हमेशा से ये पढ़ते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि मतलब कितनी बार होता है, शायद मैं भी पढ़ के इसको रैंडम निकल गया होऊंगा, बट बड़ी अच्छी बात है कि लॉ मीन्स व्हाट एग्जैक्टली। हम सब ने अपने घर में दिए देखे हैं, तो रुई की बत्ती होती है, एक सिरा उसका तेल में डूबा होता है और दूसरे सिरे पे हम आग लगाते हैं ताकि रोशनी हो सके। अगर वो तेल वाला या तेल खत्म हो जाता है या तेल वाला सिरा निकल जाता है तो ये लौ बुझ जाती है। तो द मोमेंट हम परमेश्वर के साथ उसके इस जिंदा तेल में बने हुए हैं, जिंदा कलाम में बने हुए हैं, हमारी बत्ती जुड़ी हुई है, तो नो मैटर हमारी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, कोई भी प्रार्थना हो, हम उसी तरीके से शाइन करेंगे, उसी तरीके से प्रकाश करेंगे जिस तरीके से परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया है। और जो उसकी असीम इच्छा है कि हम परमेश्वर के उसके स्वरूप में हमेशा बने रहें और उसकी उन आज्ञाओं को पालन करते रहें। और बड़ी अच्छी बात है कि मतलब अगर हम 15वां वचन पढ़ते हैं, कांग्रीगेशन इज सेइंग, उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा कि उसका स्वर्गदूत होगा। सी, अगर इसका हम सेकंड पार्ट समझने कोशिश करते हैं तो एज एन कांग्रीगेशन कहीं ना कहीं हम अपनी प्रेयर्स पे ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं एज एन कांग्रीगेशन, अगर उसका रिजल्ट कोई आकर के बता रहा है तो हमें शायद विश्वास नहीं हो रहा है, हम उसका सब्स्टिट्यूट उसको बता रहे हैं। अब आगे देखिए कितना अच्छा है,
परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। हम लोग चकित या हमें अचानक से शॉक जब लगता है कि कोई चीज अचानक हमारे सामने आ जाती है। बट अगर हमें पता हो कि संडे को हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है तो हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं कि अचानक घंटी नहीं बजी, डोरबेल नहीं बजी। तो द मोमेंट पत्रस जब से जेल में था, दुआ हम एज एन कांग्रीगेशन उसके लिए कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम इतने चकित हो गए थे उसको देख करके, अपनी प्रार्थनाओं के रिजल्ट को देख करके, जो शायद हमें नहीं होना चाहिए। ये हमारे उस विश्वास की उस दृढ़ता को दर्शाता है कि कितना दृढ़ हमारा विश्वास था। 17वां वचन कहता है, तब उसने उन्हें हाथ से सैन किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को यह बात कह देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी आशीषें टेस्टिमनीज दे रही होती हैं हमारे जीवनों में कि भैया हम आपके जीवन में आ चुके हैं, यू हैव रिसीव दिस। तो हमें एवरी मोमेंट हमें अपने उस विश्वास को इतना मजबूत रखना है कि कुछ भी हो जाए, अगर वो हमारे सामने चीजें आती हैं तो हमें आश्चर्यचकित नहीं करेंगी, नंबर वन, क्योंकि हमें पता है कि ये हो चुका है। पिछले सप्ताह भी आपको अगर याद होगा, हमने उस स्त्री की बात करी थी जिसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ था। अगर उसका वो विश्वास उस पहले दिन से नहीं होता कि अगर मैं एक बार उस वस्त्र को छू लूंगी प्रभु यीशु मसीह के तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसी दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी और द मोमेंट उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ था उसको आश्चर्यचकित नहीं हुई थी बल्कि धन्यवाद के साथ उनके चरणों में गिर गई थी। तो हमें अपनी आशीषों को रिसीव करने के बाद में इस तरीके की प्रिपरेशन के साथ में होना चाहिए कि हमारी वो आशीष में जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य में हम दूसरे के लिए उस आशीष का कारण बन सके, उस आशीष की राह बन सके। अदरवाइज परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती रहेंगी और हमारी प्रार्थनाएं कभी खत्म भी नहीं होंगी। और एक चीज बड़ी अच्छी उन सिस्टर ने अभी हाईलाइट करी, अनसीन फेथ। मुझे मतलब ये वर्ड बहुत अनदेखा विश्वास, मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अनसीन फेथ। एज एन ह्यूमन हम सब ने हमेशा विश्वास उसी पे किया है। इनफैक्ट आप सबको याद होगा और वो वचन भी, वो पैराबल भी, वो घटना भी याद होगी कि प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके अपने चेलों के सामने आए थे तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया था, किसी ने उनके पसलियों में हाथ डाला था, किसी ने उनके छिदे हुए हाथों को देखा था। मुझे लगता है इससे बड़ा एक्सट्रीम कुछ भी नहीं हो सकता है कि परमेश्वर हमारे सामने खड़ा था और हम उसको टेस्ट कर रहे थे कि क्या प्रभु यीशु मसीह आप ही हो। और यकीन मानिए हमारे जीवनों में अगर एक वो छोटी सी भी आशीष अगर आ जाती है, हम उस पर किसी भी तरीके का डाउट ना करें, किसी भी तरीके का अपना ह्यूमन चेक ना लगाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसको रिसीव कर लें। यकीन मानिए परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत खुश होगा। तो इस चीज को बार बार मैं कहता हूं कि विश्वास हमारा, और विश्वास सिर्फ विश्वास ना रहे, उस विश्वास में अगर हमने अपने अपनी काबिलियत को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी अपने किसी भी तरीके की, लाइक आज जैसे अंशुमा ने बड़ा अच्छा, मतलब मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि अंशुमा ने खुद आगे बढ़ करके उसने बोला कि प्रेजेंट वर्शिप में करूंगी अंकल। इनफैक्ट शालिनी जी के पास में कॉल आया था। सो दैट शुड बी द कमिटमेंट एंड सरेंडर कि परमेश्वर किस तरीके से हमें यूज करने वाला है। अगर हमने उस आवाज को अनसुना नहीं किया है तो यकीन मानिए नेक्स्ट टाइम में वो आवाज और स्ट्रांग हो जाएगी, थर्ड टाइम में वो और स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर हमने पहली बार में ही अनसुना कर दिया तो परमेश्वर भी कहेगा कि हम किसी और को देख लेते हैं, ये शायद अभी हमारे लिए तैयार नहीं है। हमारे लिए वो पहला स्टेप, हमारे लिए वो पहली ओबीडियंस,
हमारे लिए पहला वो एक्शन, पहला वो कार्य जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और समय के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह आपको खुद और कब कितना सामर्थी बना देंगे ये आपको भी नहीं पता होगा और ना ये हमें पता होगा। एंड देयर विल बी आर अनसीन फेथ, अनदेखा विश्वास। हम कितनी भी एग्जाम की तैयारी कर लें, मैं बड़ा रियल ग्राउंड में आकर के बोलता हूं, कितना भी प्रिपरेशन कर लें लेकिन हमने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा हुआ होता है। और तैयारी हम किसकी कर रहे होते हैं? उस अनदेखे पेपर की। किसी के 100 out of 100 भी आते हैं, किसी के 32 out of 100 आते हैं रेड मार्क्स के साथ। तो दिस डिपेंड्स ऑन आर प्रिपरेशन, पर्सनल तैयारी हमारी कितनी है। हम किसी और की तैयारी का हाथ पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर हमारी अपनी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो हमारा आई कार्ड जरूर बना होगा और प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तुझे पहचानता हूं। मुझे लग रहा है सिस्टर प्रेरणा का नेटवर्क काफी वीक है, सो अब हम लोग भी अपने समय के करीब पहुंच रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर प्रेरणा का आज, खास करके इस विषय का, कि जो फेथ और विश्वास को हमारे बीच में लेकर के आई। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में होती हैं। और मैं ये कहता हूं हमारे कंट्रोल में कुछ भी ना रहे, अगर वो परमेश्वर के हाथ में रहेंगे, परमेश्वर के कंट्रोल में रहेंगी तो वो ज्यादा अच्छी होंगी, है ना। सो आइए दुआ करते हैं हम सिस्टर प्रेरणा के लिए, वो जिस काम के लिए जा रही हैं, जहां पे भी हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ्य भरे। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर प्रेरणा के लिए कि ये आज की योजना प्रभु, उनका हमारे मध्य में आना परमेश्वर, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आशीष का कारण था परमेश्वर। और वो जो वचन हमारे बीच में लेकर के आई परमेश्वर, चाहे वो इब्रानियों 1:11 रहा हो परमेश्वर, या ये दृष्टांत जब पत्रस प्रभु उस कैदखाने में था परमेश्वर, हम इन वचनों को पढ़ करके समझने वाले हो सकें परमेश्वर, कि जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं परमेश्वर, जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं प्रभु यीशु नासरी, जब उसका रिजल्ट हमारे सामने हो प्रभु यीशु, तो हम भौचक्के ना हो, हम चकित ना हो, बल्कि हम धन्यवाद देने वाले हों प्रभु यीशु मसीह। और हम वो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह यहाँ बैठे हर एक जन के लिए मांगते हैं, खास करके अंशिमा को प्रभु यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, कि आने वाले दिनों में आप उसे अपने लहू के बाड़े में ले, अपनी सामर्थ्य बढ़े भरें, और उसको वो नए गीत दें परमेश्वर, वो नए विषय, वो नए टॉपिक दें परमेश्वर, जिसमें वो अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ने वाली हो सके। हमारे मध्य में जितने भी प्रार्थना निवेदन थे प्रभु यीशु मसीह, हमारा ये विश्वास है कि वो सुन लिए गए हैं और पूरे हो चुके हैं। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम अपनी तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, जितने लोग इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं परमेश्वर, और यूट्यूब पे हैं प्रभु यीशु मसीह, और जितने लोग जूम पे हैं परमेश्वर, आप उन्हें अपने आशीष से भरें, उनकी हर एक कमी घटी को दूर करें, उनके घरों में चंगाइयां दें परमेश्वर, और उनके जीवनों में खास करके प्रभु यीशु मसीह आप अपने प्लान को एक्टिवेट करें परमेश्वर। और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह, आने वाले सप्ताह को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाली सुबह हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आज की रात हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, कि आप हमारे साथ हो, आपका फरिश्तों का बड़ा हमारे मध्य में पाया जाए परमेश्वर। सारी बातों में प्रभु यीशु में हम अपने अपने जीवन में आपको बड़ा करने वाले हो सके, आगे करने वाले हो सके परमेश्वर। हमारा विश्वास है कि आपने सुना है और ग्रहण किया है, और खास करके सिस्टर प्रेरणा को प्रभु यीशु मसीह आप अपने लहू के बाड़े में रखें, वो जो आपके वचन की अगुवाई कर रही हैं परमेश्वर, जिन लोगों के बीच में भी लेकर के जाती हैं परमेश्वर, वो आशीष का कारण बनने वाली हो सके, उनके परिवार को आशीषित करें, उनके काम को आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमेन, आमेन, आमेन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ कीजिए, हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा आप ही का है। आमेन, आमेन, आमेन।
सो आप सभी को जय मसीह की। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी और मैं चाहूंगा कि आप लोग अगले सप्ताह अपनी टेस्टिमनीज जरूर तैयार रखें। अगर कोई फेसबुक पे है तो वो भी अपनी टेस्टिमनीज को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आप जूम पे नहीं आ रहे हैं, हम आपकी टेस्टिमनी को जरूर पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि एज एन कॉन्ग्रीगेशन आप इस बात के लिए दुआ करें कि एज एन होल्ड योर क्रॉस हम एक कन्वेंशन प्लान कर रहे हैं आने वाले दिनों में, कि हम जहाँ पे आप सभी लोगों से 101 मिलने वाले हो सकें और पूरे दिन हम उस वर्शिप को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करने वाले हो सकें। तो सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। जय मसीह की। खुश रहिए, आनंदित रहिए।